उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि हर राउंड के बाद चुनाव आयोग आंकड़े जारी करे ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। इस पर कहने वाले कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट आने के पहले ही अखिलेश ने हार मान ली है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले भी वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। हालांकि राज्य के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतगणना होगी, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और जरूरत हुई तो वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। 13 मई की दोपहर 1 बजे तक वार्डों के परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। भाजपा के समक्ष सफलता को आगे बढ़ाने की चुनौती है तो सपा अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहती है। निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। हालांकि बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी खेल बिगाड़ सकते हैं।